हेलो फ्रेंड्स, दिस साइड राजीव आनंद, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, वीडियो कम्युनिकेशन की डिमांड को देखते हुए जूम ऐप का बहुत ज़्यादा क्रेज चल रहा है। अभी सुनने में आया है कि जूम ऐप के मोर देन 6 करोड़ यूजर्स हो चुके हैं, यानी कि 6 करोड़ लोगों ने अपनी मोबाइल डिवाइसेस पर, अपनी डेस्कटॉप डिवाइसेस पर या अपनी लैपटॉप डिवाइसेस को पर जूम ऐप को डाउनलोड किया है, क्योंकि वो सब लोग क्या है, ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स प्रोवाइड कर रहे हैं, ऑनलाइन टीचिंग प्रोवाइड कर रहे हैं। जितने भी आपने इंटरनेट एंटरप्रेन्योर्स देखे हैं, वो सारी अपने एंटरप्रेन्योर्स की सर्विसेज, यू कैन से वेबिनार सर्विसेज जो है, वो थ्रू जूम ऐप प्रोवाइड कर रहे हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए सबसे बेस्ट मानी जाती है जूम ऐप, ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग करने के लिए, स्क्रीन शेयर करने के लिए, लाइव चैट के लिए सबसे जो बेहतरीन है वो ऐप मानी जाती है जूम ऐप। तो जूम ऐप है क्या और जूम ऐप को कैसे इंस्टॉल किया जाता है, जूम ऐप को कैसे यूज किया जाता है, कैसे मीटिंग्स को स्केड्यूल किया जाता है, इस वीडियो में मैं आपको वो सब कुछ बताने वाला हूं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि जूम ऐप को कैसे डाउनलोड करना है और जूम ऐप है क्या। दोस्तों, जूम ऐप सिंपली आप अपने जो भी आपके पास ब्राउजर है, मोजिला फायरफॉक्स यूज करते हो, गूगल क्रोम यूज करते हो या इंटरनेट एक्सप्लोरर यूज करते हो, आपको सिंपली उस पर लिखना है जूम ऐप। जैसे ही आप जूम ऐप लिखते हैं तो देखिए, यहां पर जूम ऐप के अंदर आपको डाउनलोड सेंटर, सीधा आपकी जूम ऐप आपके स्क्रीन पर डाउनलोड भी हो जाएगी। अगर आप जूम ऐप के बारे में ज्यादा पढ़ना चाहते हैं तो यहां देखिए, ज्वाइन अ मीटिंग, ये थर्ड जो है, ज्वाइन जूम, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वेब कॉन्फ्रेंसिंग, वेबिनार, 3 मेन पॉइंट जो है वो इसके अंदर ऑलरेडी डिस्कस किए गए हैं। यानी कि अगर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की बात करें, वेब कॉन्फ्रेंसिंग की बात करें, या वेबिनार, लाइव चैटिंग की या लाइव शेयरिंग वीडियोज की बात करें, तो जूम सबसे बेटर ऐप जो है वो मानी जाती है। जूम की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो है zoom.us, ये zoom.us मैंने ओपन की, और जैसे ही आप zoom.us को ओपन करेंगे तो फाइनली ये आपके पास जूम के सारे फीचर्स जो है वो सामने आ जाएंगे। मीटिंग्स कर सकते हैं, ऑनलाइन मीटिंग्स, वीडियो वेबिनार्स कर सकते हैं, कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं, इवन हम फोन कॉल्स भी कर सकते हैं, जो इसका आने वाला जूम का एक बेहतरीन ऑप्शन होने वाला है। और लाइव चैट भी पॉसिबल है, जब आप मल्टीपल लोग मिलकर जब आप इस ऐप को यूज़ कर रहे होंगे तो चैटिंग ऑप्शन भी जो है वो बहुत अच्छा है। तो क्यों ना आप जूम ऐप के बारे में पूरा डिटेल में जाना जाए। तो मैंने जैसे ही जूम खोला, डाउनलोड फॉर विंडोज, मैंने ऑलरेडी जो है वो जूम ऐप को डाउनलोड किया हुआ है। जैसे ही आप जूम ऐप को डाउनलोड करेंगे, जूम ऐप को डाउनलोड करने के बाद आपकी डेस्कटॉप स्क्रीन पर या जो भी मोबाइल डिवाइसेज आप यूज कर रहे हैं या लैपटॉप डिवाइसेज आप यूज कर रहे हैं, इस तरीके से जूम ऐप का आइकन बनकर आ जाएगा। तो इस आइकन पर आपको सिंपली क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये जूम ऐप यहां पर हुई। अब जूम ऐप को लॉग इन करना है। सबसे पहले लॉग इन करने में सबसे ज्यादा दिक्कत क्या आ रही है, कई लोगों को लगता है कि जूम ऐप को लॉग इन करने के लिए हम लोगों को एक अलग से ईमेल आईडी क्रिएट करनी पड़ेगी। ऐसा कुछ नहीं है, आप जूम ऐप को अपनी फेसबुक आईडी से भी यूज कर सकते हैं, अपनी गूगल आईडी से भी यूज कर सकते हैं। तो सिंपली आपको जो है वो जूम ऐप को यूज करने के लिए कोई भी एक ऑफिशियल आईडी चाहिए, चाहे वो फेसबुक की आईडी है, चाहे वो आपकी जीमेल की आईडी है। इसके बाद आपको सिंपली क्या है, जैसे आप अपनी फेसबुक की और जीमेल की आईडी डालेंगे तो आपका सिंपली ये स्क्रीन ओपन हो जाएगी, जहां पर आप अपनी न्यू मीटिंग करना चाहते हैं तो यहां पर प्रेस करना है। अगर आप किसी के साथ मीटिंग को ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन ऑप्शन है। मीटिंग को स्केड्यूल करना चाहते हैं तो स्केड्यूल ऑप्शन है। और अगर आप अपनी स्क्रीन शेयर करना चाहते हैं तो स्क्रीन शेयर ऑप्शन भी अवेलेबल है। देखिए, नीचे भी आपको 4 मेन ऑप्शन दिख रहे होंगे, होम, चैट, ये चैट ऑप्शन है, मीटिंग्स ऑप्शन है, कॉन्टैक्ट डिटेल ऑप्शन है, यानी कि जितने लोगों को आप इनवाइट करेंगे, या अगर आपने अपनी जूम ऐप को अपने मोबाइल में सिंक्रोनाइज कर रखा होगा तो जितनी भी मेल्स आएंगी, जितने भी कॉन्टैक्ट लिस्ट में आपके नंबर होंगे, वो सारे यहां पर आपको डिस्प्ले हो जाएंगे। तो ये एक तरीके से जूम ऐप का सिंपल सा इंट्रोडक्शन है। अब हम लोग जूम ऐप ये पढ़ते हैं कि हम न्यू मीटिंग्स कैसे करते हैं या मीटिंग को स्केड्यूल कैसे करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ मीटिंग स्केड्यूलिंग। मैं स्केड्यूल पर क्लिक करता हूँ। देखिए, जैसे ही मैंने स्केड्यूल पर क्लिक किया, आपको सबसे पहले अपनी मीटिंग का टॉपिक बताना है। तो आपका जो भी मीटिंग का टॉपिक हो, आप कोई भी मीटिंग करना चाहते हैं, सपोज कीजिए आप कोई ऑनलाइन टीचिंग प्रोवाइड करते हैं, तो आपने यहां लिखना है ऑनलाइन टीचिंग, या आपका कोई भी सब्जेक्ट है, अगर सपोज कीजिए आपका मैथ सब्जेक्ट है तो आप मैथ सब्जेक्ट क्लास भी लिख सकते हैं, ऑनलाइन मैथ्स क्लास। आप अपना नाम लिखना चाहे नाम लिख सकते हैं, ये पूरा टॉपिक है, आप जो मर्जी मेंशन करना चाहे। यहां पर आपकी जो भी मीटिंग की स्केड्यूल डेट, आप जैसे आज 11th अप्रैल को मैं ये वीडियो बना रहा हूं, आपको मीटिंग 13th को करनी है, 12th को करनी है, या 11th को भी, जिस टाइम पर आप ये वीडियो देख रहे हो उसके बाद आपको आधे एक घंटे बाद जब भी आपको मीटिंग स्केड्यूल करनी है, आप अपना टाइम डिसाइड कर सकते हैं। तो यहां पर आपको डेट मेंशन करनी है, यहां पर आपको टाइम मेंशन करना है, और सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा, जब आप टाइम मेंशन करें तो आपका टाइम जोन आप प्रॉपर देख लीजिएगा। जैसे ये इंडिया है तो इंडिया के अकॉर्डिंग टाइम जोन है, यहाँ पे प्रॉपर 24 आवर्स का टाइम जोन सेलेक्ट हुआ हुआ है, यानी इसलिए 16 लिखा आ रहा है, इसका मतलब 4 बजे का टाइम है, 4 बजे दोपहर को आप चाहें तो मीटिंग स्केड्यूल कर सकते हैं। ये आपको ये जरूर ध्यान रखना है,
पूरा 24 आवर्स क्लॉक के अकॉर्डिंग आपको अपना टाइम जो है वो मीटिंग का स्केड्यूल करना है। तो ये करने के बाद आप अपनी मीटिंग की ड्यूरेशन जो है वो प्रॉपर सेट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप फ्री ट्रायल यूज कर रहे हैं जूम ऐप का, तो आपकी जो मीटिंग की मैक्सिमम ड्यूरेशन है वो 45 मिनट्स है, लेकिन काफी जगह लिखा हुआ है कि इसकी मैक्सिमम ड्यूरेशन जो है वो 40 मिनट्स की है। तो 40 या 45 मिनट्स के बीच में जो है ये मीटिंग आपकी प्रॉपर कंप्लीट हो जाती है अगर आप फ्री ट्रायल यूज कर रहे हैं। दूसरा, मीटिंग की आईडी। अगर आप मीटिंग की आईडी को ऑटोमेटिक जनरेट करना चाहते हैं तो आप यहां पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो मीटिंग की आईडी ऑटोमेटिक जनरेट होगी स्केड्यूल होने के बाद। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी पर्सनल जो आईडी है, ये पर्सनल मीटिंग आईडी है, ये आप अपने किसी भी सोशल मीडिया के थ्रू, फेसबुक के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू, ईमेल के थ्रू या किसी भी और प्लेटफॉर्म के थ्रू, अगर आप अपने फ्रेंड्स के साथ या अपने कलीग्स के साथ अपनी आईडी शेयर करना चाहते हैं, क्योंकि इस आईडी की हेल्प से ही आपका जो मीटिंग है, मीटिंग का जो लिंक है वो आपके फ्रेंड्स तक पहुंचेगा। तो आपके ऊपर है, वो आप ऑटोमेटिक जनरेट करना चाहते हैं तो ऑटोमेटिक रख लीजिए, पर्सनल मीटिंग करना चाहते हैं तो आप पर्सनल मीटिंग रख लीजिए। तो जैसे ये पर्सनल मीटिंग ऐप या आईडी आपकी हो गई, उसके बाद मीटिंग का, ऑनलाइन मीटिंग का एक प्रॉपर यूनिक पासवर्ड होता है। आप चाहें तो यहां से पासवर्ड चेंज कर सकते हैं, अदरवाइज यहां पर एक पासवर्ड ऑटोमेटिक जो है वो जनरेट होकर आ गया। उसके बाद अगर आप वीडियो होस्ट कर रहे हैं तो आप अपनी वीडियो को ऑन रखना चाहें या ऑफ रखना चाहें आपके ऊपर है। अगर यहां पर आप सेटिंग नहीं भी कर पा रहे तो जब जूम ऐप प्रॉपर जब चलती है तो आप वहां पर भी जाकर सेटिंग कर सकते हैं। तो ये वीडियो की जो वीडियो जो है वो मैंने ऑन कर दिया। पार्टिसिपेंट्स जो आपके साथ मीटिंग में ज्वाइन करेंगे, आप अगर उन लोगों की वीडियो भी, अगर उन लोगों ने अपने कैमरे लगा रखे हैं डिवाइस के साथ, मोबाइल के साथ या जैसे भी, मोबाइल में तो कैमरा होता ही है, लेकिन अगर उन्होंने डेस्कटॉप पीसी में भी कैमरा लगा रखा है तो आप जितने भी आपके मीटिंग के पार्टिसिपेंट्स आप चाहते हैं सबका कैमरा ऑन रहे तो यहाँ पे आप ऑन कर सकते हैं, ना तो आप सबके ऑफ कर सकते हैं। यानी कि जो होस्ट है, यानी कि आप जो मीटिंग कर रहे हैं, आपका जो वीडियो डिवाइस है वो ऑन रहेगी, जितने भी पार्टिसिपेंट्स आपके साथ मीटिंग में होंगे उन सबकी जो वीडियो डिवाइस है वो ऑफ रहेंगी। ये सेटिंग आप जूम मीटिंग स्टार्ट होने के बाद भी चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट, ऑडियो। बटोबस ऑडियो की बहुत जरूरत है। ऑडियो आपको टेलीफोन किससे रिक्वायरमेंट है, कंप्यूटर ऑडियो यूज करोगे या आपके पास कोई अलग से डिवाइस है, जैसे मैं जो है वो फोकस राइट का ऑडियो इंटरफेस यूज करता हूं, तो मैं जो भी अपने ऑडियो के कंसेप्ट यूज करता हूं वो ऑडियो इंटरफेस से करता हूं। अगर आपके पास ऐसा कुछ ना हो तो आप हेडफोन भी यूज कर सकते हैं, सिंपल, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। नॉर्मल हेडफोन में भी आपकी जो ऑडियो क्वालिटी है वो बहुत बेटर आएगी इस ऐप में। उसके बाद एडवांस ऑप्शन है। एडवांस ऑप्शन में आपके पास, आप चाहते हैं कि आपकी मीटिंग से पहले कोई इसको ज्वाइन कर ले तो वो एनेबल कर दीजिए, ताकि मान लीजिए आपने मीटिंग 4 घंटे बाद की स्केड्यूल की है, आपके फ्रेंड्स को आपने अभी लिंक सेंड कर दिया और अगर मीटिंग से पहले कोई आपकी इसको ज्वाइन करना चाहता है तो वो भी ज्वाइन करें, तो यहाँ पे आपको एनेबल रखना है। और जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, जब वो आपकी इस लाइव मीटिंग को ज्वाइन करें तो जो पार्टिसिपेंट की एंट्री टाइम पर हो, वो जो उनकी वॉइसेज है ऑडियो की, वो म्यूट रहें, उसके लिए आपको यहाँ पर ये भी करना है। उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि आपकी मीटिंग कंप्लीट होने के बाद जो मीटिंग हुई है पूरी, वो आप अपने लोकल कंप्यूटर में सेव भी करके रखना चाहते हैं, तो ऑटोमेटिक रिकॉर्ड ऑप्शन आप यहां पर भी क्लिक कर सकते हैं। तो ये फाइनली आपकी एक मीटिंग जो है वो स्केड्यूल हो गई। मीटिंग स्केड्यूल होने के बाद आपको सिंपली स्केड्यूल पर क्लिक करना है। जैसे ही आप स्केड्यूल करेंगे, देखिए यहां पर भी स्टार्ट टाइम एक प्रॉब्लम आई है, तो मैं पहले स्टार्ट टाइम कर लेता हूं। ये मैंने अपना स्टार्ट टाइम रख दिया और ये मीटिंग स्केड्यूल हुई। ये जो है ये प्रॉपर मेरा मीटिंग का लिंक बनकर आ गया। अब देखिए इस लिंक में क्या है, मेरी पर्सनल आईडी भी शेयर की गई है और मीटिंग का, देखिए मीटिंग पर्सनल आईडी भी है और मीटिंग का पर्सनल जो है वो पासवर्ड भी शेयर किया जा रहा है। देखिए आपको प्रॉपर दिख रहा होगा ये। तो इसको आपको कॉपी टू क्लिपबोर्ड करके, अगर आप व्हाट्सएप के थ्रू, ईमेल्स के थ्रू, फेसबुक के थ्रू, जो भी प्लेटफॉर्म आप यूज करते हैं और आप अपने फ्रेंड्स या कलीग तक कोई भी नोटिफिकेशन भेजना चाहते हैं, तो आपको ये दोनों इन्फॉर्मेशन, मीटिंग आईडी और पासवर्ड जो है वो दोनों उनको भेजनी होगी। तो जैसे आप उनको सेंड करेंगे, वो इस आईडी को यूज करके और इस पासवर्ड को यूज करके आपके साथ जो है ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ज्वाइन करेंगे। ये तो है मीटिंग को स्केड्यूल करना। नेक्स्ट, अगर हम कोई न्यू मीटिंग करना चाहते हैं, देखिए अब ये जो भी मैंने मीटिंग स्केड्यूल किया, ये मेरी मीटिंग प्रॉपर स्केड्यूल होकर आ गई। टॉपिक का नाम है ऑनलाइन मैथ्स क्लास और ये शाम को लगभग जो है 7 बजे शुरू होगी, 7:30 तक चलेगी। ये मीटिंग की आईडी है, पासवर्ड आपको उस लिंक में मिलेगा जो लिंक आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करेंगे। अगर आपको यहाँ पर भी लगता है कोई मिस्टेक हुई है तो यहाँ पर आप एडिट करके अपनी पूरी डिटेल को दोबारा चेंज कर सकते हैं। अगर आपको लगता है अब आपको इस ऑनलाइन मीटिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है तो आप यहाँ से इसको डिलीट भी कर सकते हैं। अगर आपका इनविटेशन आप वहाँ से कॉपी नहीं कर पाए तो यहाँ पर भी कॉपी इनविटेशन करने का जो है एक प्रॉपर आपके लिए दिया गया है। कॉपी इनविटेशन करके आप इस लिंक को थ्रू ईमेल, थ्रू व्हाट्सएप, थ्रू फेसबुक, जैसे भी चाहें आप अपने फ्रेंड्स या कलीग के साथ शेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट, न्यू मीटिंग। जब न्यू मीटिंग पर आप क्लिक करेंगे तो सबसे पहले जो भी आपने
ऑडियो और वीडियो डिवाइस जो कनेक्ट कर रखी होगी, अब आपसे पहले वो ये पूछेगा कि आपको जो ज्वाइन करनी है मीटिंग वो कंप्यूटर ऑडियो के साथ करनी है या अगर आपके पास कोई अलग से स्पीकर या कोई माइक्रोफोन है आप उसको पहले टेस्ट कर लीजिए। तो टेस्ट पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो देखिए एक छोटी सी रिंगटोन आएगी जिससे यह कंफर्म हो जाएगा कि आपकी डिवाइस प्रॉपर वर्क कर रही है या नहीं कर रही। अगर आपकी रिंगटोन आपको सुनाई दे रही है तो आप यहां से यस कर दीजिए। नेक्स्ट वो आपसे पूछेगा स्पीक एंड पॉज, डू यू हेयर अ रिप्लाई। आप कुछ भी ये ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद आपको ज्वाइन करना है, ज्वाइन विद कंप्यूटर ऑडियो, और ये आपकी फाइनली जो है ज्वाइन हो गई। अब ये देखिए लिखा आ गया मैसेज, यू आर यूजिंग द कंप्यूटर ऑडियो। अब ऐसे आप जो है वो मीटिंग को प्रॉपर यू कर सकते हैं। इसमें देखिए यहां पर आपको मैनेज पार्टिसिपेंट्स के ऑप्शन दिखेंगे। मैनेज पार्टिसिपेंट्स में आप जाएंगे, यहां पर आपको सारी पार्टिसिपेंट की डिटेल मिलेंगी जो जिनको आप इन्विटेशन भेजेंगे। अभी तक अगर आपने किसी को इन्विटेशन नहीं भेजा हो तो आपके पास इन्विटेशन भेजने के लिए एक और तरीका यहां से इन्वाइट का भी है। आप इन्वाइट पे जाएं और यहां से कॉन्टैक्ट और ईमेल भी डायरेक्ट भी कर सकते हैं। जैसे आप इन्वाइट पे क्लिक करेंगे तो देखिए आप जीमेल से अगर कोई इन्विटेशन भेजना चाहते हैं तो यहां जीमेल का लिंक है, याहू मेल भी है, और अगर आपकी कोई और रेडिफ या कोई और डिफॉल्ट ईमेल आप यूज़ करते हो, आप कोई प्राइवेट सर्वर यूज़ करते हो, उस प्राइवेट सर्वर की अगर आपके पास कोई डिफॉल्ट ईमेल है तो आप वो भी कर सकते हैं। यहाँ पे आपको डायरेक्ट कॉपी इन्विटेशन का भी मैसेज मिलेगा, या आपने कॉपी कर लिया जीमेल पे क्लिक किया तो जो भी आपकी जीमेल आईडी होगी आपकी वहां से आप डायरेक्ट मेल कर सकते हो अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने कलीग्स के साथ। नेक्स्ट अगर हम चलें तो यहां पर देखिए चैट का ऑप्शन भी अवेलेबल है, आप टाइम टू टाइम चैट भी कर सकते हो। जितने भी आपके ग्रुप के मेंबर्स हैं आप उन सबके साथ चैट कर सकते हो, ड्यूरिंग मीटिंग भी आप चैट कर सकते हो। उसके बाद अगर आप इसको रिकॉर्ड करना चाहो तो रिकॉर्डिंग भी है, देखिए रिकॉर्ड का ऑप्शन भी आपके सामने है, आप रिकॉर्डिंग भी कर सकते हो। और अगर आप कैमरा, इस टाइम पर मैं इस वीडियो के लिए यूज़ कर रहा हूँ इसलिए स्टार्ट वीडियो आपको नहीं दिख रही, लेकिन जब आप ऐसे यूज़ करेंगे और आपका जो कैमरा होगा आपको सामने अपनी फोटो भी दिखना स्टार्ट हो जाएगी और आप इजीली जो है वो आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग बहुत बेटर कर पाओगे इस ऐप पे। इसकी ऑडियो क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, इवन यू कैन शेयर स्क्रीन ऑल्सो। आप सारे पार्टिसिपेंट को मैनेज कर सकते हैं, पार्टिसिपेंट की डिटेल आपको इस एरिया में मिलेंगी। आप जो है अपनी पूरी जो वीडियो कंप्लीट होती है उसको आप रिकॉर्ड कर सकते हैं और यहां पर आप ग्रुप चैट भी कर सकते हैं। तो ये एक तरीके से इस तरीके को यूज करके आप न्यू मीटिंग कर सकते हैं। उसके बाद फाइनली आपको जब मीटिंग कंप्लीट हो तो मीटिंग को लीव करना है। लीव वो लोग करते हैं जो होस्ट नहीं है। अगर आप होस्ट हो गए तो अगर आपको लगता है कि आपका जो कंटेंट है वो कंप्लीट हो गया, आपकी ऑनलाइन मीटिंग कंप्लीट होगी, तो एंड मीटिंग फॉर ऑल आप करेंगे तो सबके लिए जो मीटिंग है वो डिसेबल हो जाएगी। तो इस तरीके से आप न्यू मीटिंग कर सकते हैं, स्केड्यूल हो गया। अब अगर होस्ट कोई और है, आपके किसी फ्रेंड ने आपको इनवाइट करना है और आपने उनकी मीटिंग को ज्वाइन करना है तो आपको ज्वाइन ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहां पर आपको अपने फ्रेंड की मीटिंग आईडी डालनी है और यहां पर उसको जो आपका नेम है वो डालकर, अपनी मीटिंग आईडी डालकर ज्वाइन करना है। जैसे आप ज्वाइन करेंगे वो आपसे पासवर्ड पूछेगा, जो पासवर्ड आपको आपके फ्रेंड ने दिया होगा वो फ्रेंड, जैसे आप वो पासवर्ड इंसर्ट करेंगे तो आप उनके साथ मीटिंग को ज्वाइन कर लेंगे। तो ये बहुत सिंपल सी ऐप है, आप इस ऐप को यूज करके अपनी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की प्रॉब्लम को बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं, वेबिनार्स बहुत इजीली अटेंड कर सकते हैं, इवन आप वेबिनार होस्ट भी कर सकते हैं। अब देखिए बेसिकली क्या है, प्रॉब्लम ये आ रही है, क्या हम जूम ऐप में एक से ज्यादा होस्ट हो सकते हैं? एक से ज्यादा होस्ट हो सकते हैं, लेकिन उसके लिए मैं आपको जूम ऐप के बारे में थोड़ा बताता हूं। जूम ऐप में क्या है, अगर आप मीटिंग को होस्ट करते हैं और फ्री ट्रायल वर्जन यूज कर रहे हैं तो फ्री ट्रायल में आप 40-45 मिनट्स की ड्यूरेशन रख सकते हैं, और अगर आप 1-to-1 कर रहे हैं कॉन्फ्रेंस तो 1-to-1 में कोई भी टाइम ड्यूरेशन नहीं है। लेकिन अगर आपके जो मेंबर्स हैं 3 या 3 से ज्यादा हो गए, 100 से लेकर 100 मेंबर तक, आपकी जो मीटिंग टाइम है वो मैक्सिमम 40 मिनट्स रहेगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं मल्टीपल होस्ट भी हो तो मल्टीपल होस्ट के लिए आपको इसके प्लान और प्राइसिंग पे जाना होगा। देखिए यहां पर साफ मेंशन है, पर्सनल मीटिंग के लिए ये फ्री प्लान है जिसके अंदर 100 पार्टिसिपेंट्स हो सकते हैं, 1-to-1 मीटिंग अनलिमिटेड है, 40 मिनट्स एक प्रॉपर ग्रुप मीटिंग के लिए टाइम दिया गया है। अगर आपको इसका प्रो वर्जन लेना है जो स्मॉल टीम के लिए अच्छा बताया गया है, वो $15 के अप्रॉक्स जो है, $14.99 वो मंथली है। उसके अंदर देखिए सारे बेसिक फीचर जो है इंक्लूड किए गए हैं, यूजर मैनेजमेंट है, एडमिन फीचर कंट्रोल है, इवन रिपोर्टिंग है। और सबसे अच्छी बात क्या है, जो डेटा सेव होता है, जूम ऐप प्रॉपर क्लाउड प्लेटफॉर्म डेटा यूज करते हैं, यानी कि आपका क्लाउड के अंदर डेटा स्टोर होता है। आपकी फिजिकल स्टोरेज पर भी, आपके डिवाइस की फिजिकल स्टोरेज पर भी इसका कोई असर नहीं होने वाला, क्योंकि ये क्लाउड बेस्ड ऐप है। आपका सारा जो डेटा है वो वर्चुअली सेव हो जाएगा, आप जितनी मैक्सिमम वीडियो ऑनलाइन जो है वो कर सकते हैं और आपका डेटा वर्चुअली सेव होगा। उसके बाद थर्ड प्लान है बिजनेस प्लान, जो स्मॉल एंड मिड बिजनेस के लिए बनाया गया है। इसकी $20 के अप्रॉक्स जो है वो मंथली है। उसके अंदर ये कुछ फीचर्स हैं,
$15 में भी आपके 100 पार्टिसिपेंट होंगे, लेकिन अगर आप $20 वाला लेते हैं तो 300 पार्टिसिपेंट्स तक आप ज्वाइन कर सकते हैं। और एक एंटरप्राइज एडिशन है वो भी $20 का है, उसमें क्या है आप 500 जो हैं वो पार्टिसिपेंट्स को एंटर करा सकते हैं, इवन 1000 पार्टिसिपेंट्स जो है वो आपको एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, ये इसका एंटरप्राइज प्लान है। आप इनको ईयरली बेसिस पे भी परचेज कर सकते हैं, क्योंकि मुझे काफ़ी टाइम में सुनने में आ रहा है काफ़ी सारे स्कूल्स कॉलेजेस इंस्टीट्यूट जो हैं वो प्रो और बिजनेस और एंटरप्राइज वर्जन ले रहे हैं, क्योंकि उनके पास नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ज़्यादा हैं, उनका बेसिक प्लान से काम नहीं चल रहा। तो वो अगर उनमें से कोई भी आप कोई वीडियो देख रहा हो तो अगर ये तीन प्लान है प्रो बिजनेस और एंटरप्राइज, आप इन तीनों प्लान में से अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो है वो जूम ऐप को रेकमेंड कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियोज, थैंक यू सो मच। और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच।